आइए, सो प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग पढ़ेंगे आज. प्रोसेस से समझ में आ रहा है, इट इज एप्लीकेबल फॉर प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्रीज. इट्स अ मेथड, राइट? जैसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वॉज एप्लीकेबल टू सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हुआ, देन होटल इंडस्ट्री, सिनेमा हॉल्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, राइट? ये सब इन सच केसेस, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज के केसेस में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अप्लाई करता था. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इट वॉज एप्लीकेबल टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. वैसे ही जो प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, ऑयल रिफाइनरीज, टी, शुगर, ये सब प्रोसेस होते हैं. मल्टीपल प्रोसेसेस के बाद में फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है. जैसे चाय, टी, पहले टी लीव्स होता है, फिर एक प्रोसेसिंग करते हैं आप उसका, करने के बाद एक 50 रुपये वाला किलो चाय तैयार होता है. फिर उसका फर्दर प्रोसेसिंग करते तो वो 100 रुपये किलो वाला बन जाता है. फिर फर्दर प्रोसेसिंग करते तो 150 रुपये किलो वाला. सेम लीफ वही है, पत्ते वही हैं, टी लीव्स वही है. प्रोसेस वन किया, 50 में बेचो. प्रोसेस टू के बाद में इसी को अगर प्रोसेस टू करेंगे तो 100 में बेचेंगे. इसी को अगर प्रोसेस थ्री करेंगे तो 200 में बेचेंगे. इसी को अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 500 रुपये किलो में बेचेंगे, राइट? देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी अवेलेबल इन द मार्केट एंड सबका रेट्स भी अलग अलग होता है. सो कहने का मतलब है कि सर आपने ये सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कैसे किया आफ्टर एवरी प्रोसेस? यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन, हमने जैसे बोला ना टी लीव्स है ये, दिस इज व्हाट, टी लीव्स. आफ्टर एवरी प्रोसेस आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है. सो इसका रीजन क्या है? बेसिकली आफ्टर हर प्रोसेस एक वैल्यू एडिशन ऐड हो रहा है. जैसे प्रोसेस वन में आई एम परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस एंड वो ऑपरेशन कंडक्ट करने का एक कॉस्ट है. सपोज आई एम पुटिंग द इनपुट इन अ मशीन एंड वहां से आउटपुट निकल रहा है, तो मशीन चलाने का खर्चा है. मशीन जब चल रही है तो यू नीड टू हैव अन सुपरवाइजर. सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म प्रोसेस वन उसका एक कॉस्ट है. कॉस्ट है मतलब सम वैल्यू एडिशन हैज बीन डन. तो सेलिंग प्राइस 50 रुपया. फर्दर वो प्रोसेस टू में गया और कॉस्ट मोर वैल्यू एडिशन, कॉस्ट अकॉर्डिंगली हाइक हुआ इसलिए सेलिंग प्राइस भी अकॉर्डिंगली हाइक हुआ. अगेन प्रोसेस थ्री, कॉस्ट और हाइक हुआ, अगेन सेलिंग प्राइस 200. प्रोसेस फोर, कॉस्ट और हाइक हुआ 500 रुपीज. मतलब यू आर सीइंग दैट आफ्टर एवरी प्रोसेस सम वैल्यू एडिशन इज टेकिंग प्लेस. मतलब कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड एंड अकॉर्डिंगली उसका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो रहा है. सो मैं क्या बोल सकता हूं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी सेलिंग प्राइस आई हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट आफ्टर ईच सच प्रोसेस. आज मान लो कॉस्ट 40 रुपये आया, इसमें 25% प्रॉफिट ऐड किया तो सेलिंग प्राइस 50. कॉस्ट 80 रुपये आया, इसमें 25% ऐड किया तो 100 रुपया. हाउ यू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आफ्टर ईच प्रोसेस? बिकॉज वी नो द कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आफ्टर ईच प्रोसेस. सो वो कॉस्टिंग निकालना मैं आपको सिखाऊंगा इन केस ऑफ प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्रीज. मैंने आपको सर्विस सेक्टर का कॉस्टिंग निकालना सिखाया है, आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्री में कॉस्टिंग कैसे की जाती है. इज दैट क्लियर? हाँ, व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्रीज में कॉस्टिंग कैसे किया जाता है, राइट? दैट आई एम गोइंग टू टीच यू टूडे. इज दैट क्लियर? आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दीजिए और लिखना चालू करेंगे. प्रोसेस कॉस्टिंग इन अ बेंच फोर. लास्ट वाला बेंच को हटा दो सामने, फिर कोई आएगा तो बैठ नहीं पाएगा. उसको आगे करो थोड़ा, जाओ. थोड़ा सामने लाओ, इस तरफ करके लाओ. आइए, एप्लीकेबिलिटी कहाँ है? प्रोडक्ट विच पासेस थ्रू
multiple processes oblique operation. वहां चेयर में बैठो तुम चार्जर. प्रोडक्ट विच पासेस थ्रू मल्टीपल प्रोसेसेस ऑब्लिक ऑपरेशन ऐसा प्रोडक्ट फॉर इट्स कंप्लीशन. मतलब इनपुट को P1 में डाला, यहां का जो आउटपुट है वो P2 का इनपुट बनेगा, इसका जो आउटपुट है वो P3 का इनपुट बनेगा, और दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. इसका जो आउटपुट है ये फाइनल प्रोडक्ट का सेल होगा. So in order to make this final product, this particular input is passing through multiple processes or operation for its completion. हाँ, तो सर उसमें प्रॉब्लम क्या है? सारा ऑपरेशन का कॉस्ट को जोड़ दीजिए. ऐसे नहीं कर सकते. We have to further calculate. पहले समझ में आना ये applicable कहाँ होगा. It is applicable for products which passes through multiple processes oblique operation for its completion. Whether it is marketable after first operation, second operation, third operation, that's a different thing. If it is marketable at every operation, agar usko hum log bech payenge har operation ke baad mein, in that case our next target is to find out the cost of such product at each completion stage. So, objective to find out cost of the product at the end of each process. To find out cost of the product at the end of each process. ठीक है, पहले हमको बताओ ये एप्लीकेबल कहां है ये चैप्टर. ये दिस चैप्टर इज एप्लीकेबल फॉर प्रोडक्ट्स विच पासेस थ्रू multiple processes oblique operation for its completion. In many cases you will find, utha lo na bag ko, kiska hai, in many cases you will find that har process ke baad mein you can sell that product. Jaise maan lo P1 mein hum input diya, output nikla 20,000. अभी P1 के बाद में भी जो प्रोडक्ट बना है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. क्या बोलते हैं? उसका भी मार्केट में डिमांड है तो उसका सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा. तो उसका सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अपने को तो कॉस्ट आफ्टर P1 पता होना चाहिए. यस और नो? सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट ईच सच प्रोसेस. For the purpose of calculating selling price of intermediate products,
ठीक है। हाँ फुल स्टॉप। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर ईच प्रोसेस ऑल्सो हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल। मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि आप अभी बच्चे हैं, आपको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, मैं उस परसेप्शन से आपको बता रहा हूं। सर आपने ये तो बताया कि हो सकता है P1 के बाद में हम प्रोडक्ट को बेच दें, तो बेचेंगे तो भैया उसका कॉस्ट पता होना चाहिए, तभी ना हम उसकी सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे। इसलिए आपको कॉस्ट निकालना पड़ेगा आफ्टर एवरी प्रोसेस। ये बात मुझको समझ में आती है। 20,000 आउटपुट है, 8,000 हम बाहर बेच दे रहे हैं, बाकी 12,000 हम फर्दर उसको प्रोसेस कर रहे हैं P2 में। तो हमको कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर P1 निकालना जरूरी है, बिकॉज हम 8,000 बाहर बेच रहे हैं, तो जब तक P1 के बाद का कॉस्ट नहीं पता रहेगा तो सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे आफ्टर P1। फर्दर कॉस्ट आफ्टर P1 निकालना इसलिए जरूरी है, अगर कॉस्ट आफ्टर P1 नहीं निकाल पाएंगे तो आई विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट इनपुट कॉस्ट ऑफ P2। लास्ट बेंच। आई विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट इनपुट कॉस्ट ऑफ P2। P2 का इनपुट कॉस्ट नहीं निकाल पाऊंगा मैं, क्योंकि P2 P1 से जो आएगा उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करेगा। सर ये बात तो समझ में आ गया कि वी हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सेलिंग प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। लिखा है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर ईच प्रोसेस ऑल्सो हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल। से फॉर एग्जाम्पल हम इनपुट डाला, डालने के बाद P1 के बाद जो आउटपुट निकला है उसका कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 20 रुपया। कितना आ रहा है कॉस्ट पर यूनिट? 20 रुपया। बेटे P1 के बाद में जो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं वो बाजार में रेडीली अवेलेबल है 18 रुपया में। बाजार में वो चीज रेडीली अवेलेबल है कितने में? 18 में। अब मुझको आप बताइए कि हम इनपुट से P1 बनाए बेटर है कि डायरेक्टली P1 मार्केट से खरीद लें? तो इट इज हेल्पिंग मी इन कॉस्ट कंट्रोल, इट इज हेल्पिंग मी इन। याद है इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था हमने कॉस्ट कंट्रोल करने का अपने को मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा। जब तक आपको यह नहीं पता है कि P1 प्रोसेस करने के बाद जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना उसका कॉस्ट कितना है, आप कॉस्ट कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? तुम सोचो ना, जो चीज तुम खुद बना रहे हो, P1 तुम खुद बना रहे हो, तुम्हारा 20 रुपए कॉस्टिंग आ रहा है, वही सेम चीज बाजार में 18 में बन रहा है, 18 में मिल रहा है। तो इट इज बेटर टू प्रोसेस P1 और गेट P1 डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट, यू विल सेव 2 रुपीज ब्रो। यस और नो? तो ये कॉस्ट कंट्रोल का मैकेनिज्म है। क्या है ये? कॉस्ट कंट्रोल का मैकेनिज्म है, इट हेल्प्स इन मेनी थिंग्स। तो बेटा सर आप हम लोग को ना इतना ज्ञान मत दो, आपने मुझको बताया, यू टोल्ड मी, सर आप खाली बोल दिया करो हम लोग मान लेंगे। आपने मेरे को बोला कि हर प्रोसेस के बाद में कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालना जरूरी है, मतलब जरूरी है, रीजन मत बताओ मुझे। होता है ना सर, क्यों निकालना जरूरी है वो बताया मैंने अभी।
अब मैं आपको सिखाऊंगा हर प्रोसेस के बाद कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है बेटा. इज दैट क्लियर? हाँ, मैंने आपको क्या सिखाया अभी तक? पहले बताया ये मेथड कौन से इंडस्ट्री को अप्लाई करेगी, प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्री. ऐसा फाइनल प्रोडक्ट विच पासेस थ्रू मल्टीपल ऑपरेशन ऑब्लिक प्रोसेसेस. इज दैट क्लियर? हाँ. एंड ये वैसी इंडस्ट्री होती है जहां पे हर प्रोसेस के बाद में द प्रोडक्ट इज मार्केटेबल, यू कैन सेल इट आफ्टर इन द मार्केट. तो सर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर? इज टू फाइंड आउट कॉस्ट आफ्टर ईच स्टेज एंड व्हाई. बता दिया कॉस्ट आफ्टर ईच स्टेज विल हेल्प मी इन डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, विल ऑल्सो हेल्प मी इन डिटरमाइनिंग कॉस्ट कंट्रोल. अब मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर ईच प्रोसेस. 10 मार्क्स टुडे. इज दैट क्लियर? आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा. यस. देखना है किसी को वन फॉर द वेरी लास्ट टाइम? ब्रो काइंडली टेक द फोटो ना, वी कांट वेट सो लॉन्ग. Thanks. How to calculate? After each process. Yes or no? It has to be pin drop silence. You understand the meaning of that? Is it fine? All okay? Let's start. Now, sir, situation aisa hai, input ko aap diye P1 mein, इससे जो निकला वो आप दिए P2 में, इससे जो निकला आप दिए P3 में, इससे जो निकला वो कस्टमर के घर में जा रहा है. यहां का आउटपुट, यहां का इनपुट, यहां का आउटपुट, यहां का इनपुट, यहां का आउटपुट डायरेक्टली बेच रहे हो. इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट. दस हजार इनपुट, आउटपुट 9,300, 700 गोल हो गया. आप लोगों ने आपके फाउंडेशन लेवल में कंसाइनमेंट पढ़ा होगा. हाँ, माल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में नुकसान हो जाता है, बनाने में तो नुकसान पक्का होगा ही होगा. अब पॉइंट क्या है? 700 का लॉस दिखाई दे रहा है. सात सौ बाई 10,000, 7% का लॉस दिखाई दे रहा है. टू हाई, टू हाई. यूजुअली क्या होता है, लॉसेस का जो बर्डन होता है, प्रोडक्शन लॉस का जो बर्डन होता है, वो कस्टमर के शोल्डर में शिफ्ट कर दिया जाता है. हाउ? हाउ? आई टेल यू हाउ. अगर आप लॉसेस का बर्डन कस्टमर के शोल्डर में शिफ्ट कर देंगे, इन दैट केस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी टू हाई फॉर द मार्केट टू एक्सेप्ट. But sir, if you are not producing it, someone else might be doing it. उसके केस में भी तो लॉस होगा.
अरे भैया ये तो मैं हूं बोल के 700 का लॉस निकल रहा है। मेरे जगह अगर और कोई ये धंधा चला रहा होता ना, मिनिमम 2000 का लॉस निकलेगा। द एफिशिएंसी विच आई पुट इन, द एफर्ट विच आई पुट इन, नो वन एल्स कैन पुट इट। दैट इज वाई द लॉस इज मिनिमम। कहने का मतलब है मैं खड़ा रहूं, मैं प्रोडक्शन करूं, भगवान श्री कृष्ण खुद आके प्रोडक्शन करे, साथ में और अपने फ्रेंड्स को ले आए, तो भी ये लॉस होना ही होना है। प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देर आर सम लॉसेस विच आर बाउंड टू हैपन हुएवर डज द प्रोडक्शन। सर आप एक एक करके जाइए। मैंने आपको पहले क्या बोला, अगर लॉस होता है तो इसका बर्डन किसके शोल्डर पे पड़ेगा, लेकिन अगर सारा लॉसेस का बर्डन हम कस्टमर के शोल्डर पे डाल देंगे, कॉस्ट विल बी टू हाई। लेट मी शो यू वन केस। इनपुट आउटपुट, सॉरी इनपुट कॉस्ट। मैं आपको दो केस दिखाऊंगा। केस वन, केस वन, केस टू, प्रोडक्शन डन बाय अंकित सर, प्रोडक्शन डन बाय एनीवन इन द वर्ल्ड, इनपुट 10,000, 2,00,000 इज द कॉस्ट, 700 का लॉस हो गया, 9,300 लगा, कॉस्ट कितना 2,00,000। व्हाट इज कॉस्ट पर यूनिट पर आउटपुट, 2,00,000 बाई 9,300 कितना होता है बताइए बेटे। ₹21.50, इनपुट कॉस्ट था ₹20, लॉसेस के कारण इफेक्टिव कॉस्ट क्या आ रहा है ₹21.50। यस और नो, लॉसेस के कारण कितना आ रहा है ₹21। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, साफ दिख रहा है ना, लॉस का बर्डन किसके शोल्डर पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि अगर कॉस्ट 21.50 आया, इसी पे तुम अपना मार्जिन ऐड करके अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस कोट करोगे। हाँ, सेम टेक्निक को और फॉलो किया, बर्बाद हो गया। देखो, समवन एल्स फॉलोड द सेम टेक्निक, पढ़ के आया है, लॉसेस होगा ना, कस्टमर को चिपका देना, ठीक है, 2,000 का लॉस हो गया इसको, 2,000 का लॉस हो गया, कॉस्ट पर आउटपुट कितना आएगा, कितना 25। इसमें वो मार्जिन ऐड किया, सेलिंग प्राइस थ्रो किया मार्केट में, कोई कैच किया क्या, कोई कैच किया क्या, ओ मिस्ड इट, हार गए हम मैच। कहने का मतलब क्या है, सुनो 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 सुनो, मैं अपने आप को भी परफेक्शनिस्ट नहीं मानता हूं। केस थ्री में मैं लेके आ रहा हूं लॉर्ड काना को, लॉर्ड काना, भगवान इसको माफ कर देना।
उनके स्वयं उन्होंने अपने हाथों से प्रोडक्शन किया है, 500 का लॉस आ रहा है भगवान का, तो भैया मानना ही पड़ेगा, 9500 और 2 लाख कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है, 21.05। बेटा कॉन्सेप्ट समझो, हम किस लेवल में चले जा रहे हैं, हमको खुद को विश्वास नहीं आ रहा है। हमने क्या बोला, लॉसेस का जो भार होता है किसके शोल्डर में आप शिफ्ट कर देते हैं, कस्टमर। मैंने भी वही किया, मेरा 21.50 आया, सारी दुनिया वही चीज करती है, उनका 25 आया, लॉर्ड कृष्णा ने भी प्रोडक्शन किया 21.5, तो इसमें से मार्केट से छिटक कौन जाएगा, केस टू वाला, टू मच हाई कॉस्ट ना, सारा लॉसेस का बर्डन, मतलब अपनी नाकामयाबी भी ये कस्टमर के शोल्डर पे डाल रहा है। ये तीनों केस में अगर आप भगवान को मानते हैं, ये तीनों केस में आप बताइए एक्सेप्टेबल लॉस कितना होना चाहिए, एक्सेप्टेबल लॉस 500। भैया भगवान जो बोल देगा, भगवान जो कर देगा वो तो नियम बन जाएगा। लॉर्ड काना अगर प्रोडक्शन करेंगे तो भी 500 का लॉस होगा, मतलब हम भी करेंगे तो भी होगा, तुम भी करोगे तो भी होगा, दुनिया में कोई भी आदमी करेगा तो 5% का लॉस होना ही होना है। दिस इज एक्सेप्टेबल लॉस। एंड पता आपको, एक्सेप्टेबल लॉसेस को बोला जाता है अनअवॉइडेबल। मैं करूं चाहे तुम करो चाहे कोई और प्रोडक्शन करो, 500 का लॉस होना ही होना है। तो इसका मतलब अप टू 500 का लॉस आप कस्टमर के शोल्डर पे डाल सकते हैं, उसके ऊपर वाला अगर लॉस हो गया ना बेटा, तुमको अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा। अगर इस मार्केट में, इस धंधे में रहना है तो तुम एक सर्टेन लॉस ही कस्टमर को चार्ज कर सकते हो, उसके बाद अगर लॉस होता है मतलब ये तुम्हारा नाकामयाबी है, तुम्हारा इनएफिशिएंसी है, तुम्हारा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण ये फर्दर और लॉस हुआ है। तो सर आई हैव गॉट इट, हमारा जो भी लॉस होगा उसमें कॉस्ट निकालते वक्त क्या, कौन सा वाला लॉस माइनस करेंगे आप, टोटल लॉस की एक्सेप्टेबल लॉस, तब जाके आपका कॉस्ट पर यूनिट आएगा। मतलब मैंने जो 700 माइनस किया, ये 700 नहीं होना चाहिए था, 500 होना चाहिए था, 200 का जो और लॉस हो गया वो मेरे को अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा। इसने जो 2000 का लॉस किया है इसको कितना माइनस करना चाहिए था, 500 माइनस करना चाहिए था, बाकी जो 1500 का जो और लॉस हुआ है वो अपने पॉकेट से भरेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? हाँ, तो लॉसेस का बर्डन, क्या सारा लॉसेस का बर्डन हम कस्टमर के शोल्डर में डाल सकते हैं? Which type of losses का burden I can shift to customer shoulder? Acceptable loss. Acceptable loss is also known as unavoidable loss. क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण ने कर रहे प्रोडक्शन तो भी हो रहा है, तो unavoidable है। जो भगवान नहीं कर पा रहा, हम तो उसी का बनाया वाया पुतला है, हम कहां से कर सकता है, मानते हो ना? अज्यूम क्या, तुम करके दिखाना। हनुमान जी पर्वत उठाए तो उठा के दिखा, एक्सेप्टेबल लॉस, अनअवॉइडेबल लॉस, इसी को हम लोग नॉर्मल लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। तो कौन सा लॉस कस्टमर के शोल्डर में डाल देना, एक्सेप्टेबल लॉस, उसका दूसरा नाम क्या है, और एक नाम है अच्छा सा, तो तुमको किताबों में नॉर्मल लॉस वर्ड मिलेगा। कौन सा लॉस मिलेगा? अब मेरे को बताओ, कस्टमर के शोल्डर में कौन सा लॉस का बटन डालना है? नॉर्मल लॉस। कौन सा? नॉर्मल लॉस को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेबल लॉस। क्या बोलते हैं उसको? अनअवॉइडेबल लॉस।
बचपन में जब तुम अंगूठा चूसता था ना, उस समय तुम्हारी मैम तुमको बताई होगी, ए नॉर्मल लॉस आएगा ना तो यूनिट कॉलम से माइनस कर देना. लाइक दिस दे टीच, बट द वे शुड बी लाइक दिस. थैंक यू. इसको कॉपी कर लीजिए फटाक से एकदम फास्ट. Please don't talk, don't talk. सीरियसनेस हो गया तुम्हारा, उसको स्टडी करो. कुछ चल रही है, देखो कीड़ी वीड़ी चल रही है. हाँ देख यहाँ पे. कितना है? चाचा जी को फोन करके बोल दो. फोटो किसके भेज दो. इज इट फाइन? बात मत करिए प्लीज. हटा दें नाउ. शैल आई? देखना है फॉर द लास्ट टाइम. हटा दें. नंबर वन ध्यान दीजिएगा. बढ़िया से फोटो खींच के भेजना. फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन every company
establishes an acceptable level of loss. Which is known as unavoidable loss / normal loss. ठीक है. Burden of normal loss is shifted to the shoulders of customer. Customer के shoulder में डाल दिया जाता है. As a result of which cost per unit increases to some extent. ठीक है. देखा ना तुम लोग, 20 था इनपुट कॉस्ट बट वो आउटपुट होते होते 21.5 हो गया. एनी लॉस मोर देन द नॉर्मल लॉस. लॉर्ड किसने के केस में? More than the normal loss था नहीं, क्योंकि 500 was a loss and 500 was the acceptable level. मेरे केस में 200 था और anyone in the world के केस में 1500 था. Any loss more than the normal loss is known as इसको avoidable बोलते हैं. Avoidable loss / abnormal loss. This loss happens due to lack of efficiency, supervision, and proper control. Yes or no? The burden of these shoulders, sorry, burden of these losses should not be shifted to the customer. Full stop. These losses are to be, गाड़ी वाला आया को तो बोलना ठीक कर देगा. These losses are to be borne by the company himself. ठीक है.
हम लोग अक्सर कोई चीज ऐसा देखते हैं और नाचने उठते हैं, मिरेकल 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 होते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं? ठीक से नहीं बोल पा रहा, ठीक से बोल, जोकर समझा बे हमको। नेशनल टेलीविजन में बोल के लिहाज करे अपने शब्दों का, सब आता है हमको। एक सेकंड आवाज थोड़ा बंद करके सुनाते हैं। मिरेकल हो गया। अच्छा, ये मिरेकल कब पता चलेगा? होने के बाद, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर। सही पहचाने हो बेटे, तुम्हारा एक्सेप्टेबल लेवल था 500, लेकिन लॉस खाली 300 ही हुआ। इसका श्रेय, तो सर क्या मैं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कम कर दूं? नहीं, एंजॉय प्रॉफिट, एंजॉय करो। क्यों बोल रहा हूं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कम मत करो? क्योंकि अगर तुम्हारा लॉस एक्सेप्टेबल के भी नीचे आया, मतलब मिरेकल है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी प्रोडक्शन करते तो 500 होता। तुमने क्या, मतलब तुम समझ लो मिरेकल है ये, तो राइट वर्ड इन इंग्लिश, बियॉन्ड इमेजिनेशन। मतलब लॉस तुम 500 सोचा, हुआ 300 ही। क्या आदमी है भाई, का प्रोडक्शन मैनेजर है, फाड़ दिया भाई, एफिशिएंसी तगड़ा, सुपरविजन तगड़ा, प्रॉपर कंट्रोल। मतलब स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक बढ़िया से एकदम प्रोडक्शन देखा, एकदम प्रॉपर सुपरविजन, एफिशिएंसी में कहीं कमी नहीं है, तब जाके ऐसा होगा। तो सर क्या मैं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कम कर दूं? नो, कीप दैट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो गेन है उसको एंजॉय करो, पास ऑन सम गेन। तुम लोग को मैं सिखाऊंगा लेबर कॉस्ट एंड कंट्रोल में। जब एफिशिएंसी तगड़ा होता है ना, सारा प्रॉफिट खुद नहीं खाना चाहिए, सम पार्ट ऑफ द सेविंग्स यू शुड एलोकेट टू योर एम्प्लॉइज सो दैट दे गेट मोटिवेटेड एंड कीप द सेम स्पिरिट इन द नेक्स्ट सेम, नेक्स्ट प्रोडक्शन। समझ में आया? इफ लॉस इज, क्या हुआ? गाड़ी के लिए था क्या? काम कर लिया? इफ लॉस इज लेस देन द नॉर्मल लॉस, देन difference is known as abnormal gain. ठीक है, तो सर जब लॉस हुआ था, आपने लिखा लॉसेज आर टू बी बॉर्न बाय द कंपनी हिमसेल्फ, तो ये लॉसेज को हम चार्ज करेंगे कॉस्टिंग पीएल में, ठीक है ना? और यहां पर इनकम हुआ है क्रेडिट टू कॉस्टिंग पीएल। ठीक है, हाँ बेटे, इज इट फाइन एवरीवन? चार्ज कर दो लॉसेस को, कस्टमर का शोल्डर में शिफ्ट नहीं करना, और इसको कॉस्ट कम नहीं करना, एंजॉय इट, पास सम सेविंग्स टू एम्प्लॉय, पास सम gain to employees for their excellent performance,
मिरेकल परफॉर्मेंस, बियॉन्ड इमेजिनेशन परफॉर्मेंस. ठीक है, इज इट फाइन, ऑल ओके. चलो, सो नाउ अब इसका अकाउंटिंग पार्ट मैं आपको करा देता हूं. थ्योरी पार्ट हो गया है, लेट मी डील विद द अकाउंटिंग पार्ट. मिटा दूं क्या इसको? ओके, आई विल गिव यू वन मिनट मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट. वन मिनट मैक्स. रिमोट दो तो. Is it fine? बड़े आगे आइए. Example. Input. 10,000 units at the rate 20. Question mark. Output. अच्छा, input cost आ गया ना. Input मतलब raw material, right? लेबर कॉस्ट 50,000, 40,000, 45,000. ओवररेट कॉस्ट, इज इट फाइन? ओवररेट कॉस्ट. Output 9,400, 8,500, 8,200. Normal loss percentage 5%, 7%, 6%. Acceptable, huh? Scrap value per unit. क्योंकि अगर जो losses वाला part होता है उसको तो कबाड़ी वाला भाव में बेचेंगे ना, उसको पाल के क्या फायदा, जितना मिल जाए उतना अच्छा है. यस और नो? ₹3 पर यूनिट, ₹7 पर यूनिट, ₹9 पर यूनिट. प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट.
Is it fine? हाँ, सिंपल से एग्जांपल है ना, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एकदम मन लगा के. हटाएं, कॉपी हो गया ना. हर प्रोसेस के बाद में कॉस्ट पर यूनिट निकालना अपन को. हो गया, हटा रहा हूं. सबसे पहले प्रोसेस वन अकाउंट. हाँ, तो हर प्रोसेस के बाद में कॉस्ट निकालना है ना सर. वहां पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता था, यहां पे प्रोसेस अकाउंट बन रहा है. ठीक है, ठीक है. अच्छा, दो कॉलम बनेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है. देयर विल बी टू कॉलम्स. यूनिट कॉलम एंड अमाउंट कॉलम. ठीक है, वहां पे जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता था, यहां पे प्रोसेस अकाउंट बन रहा है. राइट, यहां पे यूनिट्स का कॉलम भी बनेगा. आइए, सबसे पहला रॉ मटेरियल कॉस्ट. यूनिट कितना डाला? 20 रुपया करके 2 लाख. रॉ मटेरियल मतलब इनपुट शुभम गोइंग का. दस हजार इनपुट का 20 रुपया करके 2 लाख कॉस्ट है. उपंगा चला लो. थोड़ा सा हल्का करो तो.
Yes, bro, I'm there. Hello. Yeah. Labor cost. इसी 10,000 पे होगा ना लेबर कॉस्ट. ओवरहेड कॉस्ट कितना है? 30,000. इसी 10,000 का है. सो 10,000 का टोटल कॉस्ट क्या हो गया? 2,80,000. मेटेरियल कॉस्ट में लेबर और ओवरहेड का शेयर ऐड होता है. राइट हाँ. जब जब प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, स्टेप वन इनपुट आउटपुट शुड बी मैच्ड. इनपुट आउटपुट का मैचिंग जरूरी है. 10,000 का इनपुट है तो आउटपुट का टोटल भी 10,000 आना चाहिए. हाँ देखो, दस हजार में 5% एक्सेप्टेबल लॉस है. हाँ ट्रांसफर टू पी टू 9,400. 10,000 इनपुट है, आउटपुट है 9,400. 10,000 इनपुट है, आउटपुट है 9,400. मैच हुआ क्या? 600 का लॉस है. वो 600 में 500 एक्सेप्टेबल लॉस. 500 एक्सेप्टेबल लॉस. तो बाकी का 100 जो लॉस है वो क्या है? समझ में आया मेरा बात? इनपुट कितना, जल्दी बोल. 10,000. आउटपुट 9,400. मैच हुआ क्या? 600 का लॉस. अब वो 600 में नॉर्मल कितना? नॉर्मल का कैलकुलेशन इनपुट पे होगा. इनपुट का 5% दैट इज 500. यस और नो? लेकिन लॉस है 600, तो और लॉस, एनी लॉस अबव नॉर्मल लॉस इज कस्टमर के शोल्डर में किसका बर्डन शिफ्ट करने का है बाबा? समझ में आ रहा मेरा बात? हाँ पहले बता, इनपुट कितना, आउटपुट कितना, मैच हो रहा है? मैच करने का है. मैच कर, रिकंसिलिएशन, मैच. कैसे होगा मैचिंग बताओ? बताओ बताओ जनता, कैसे होगी? 5% ऑफ 10,000, मतलब अप टू 500 इज उसके ऊपर का कस्टमर के शोल्डर में किसका बर्डन डालने का है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट. ठीक है ना? 2,80,000. हाँ 2,80,000 जो टोटल कॉस्ट है दैट वॉज फॉर इनपुट. 2,80,000 जो टोटल कॉस्ट है दैट वॉज फॉर इनपुट. 2,80,000 का जो टोटल कॉस्ट है दैट वॉज फॉर इनपुट. यस और नो? 2,80,000 का जो टोटल कॉस्ट है दैट वॉज फॉर इनपुट 10,000. अब इस इनपुट में कितना लॉस का बर्डन कस्टमर के शोल्डर में डालने का है? माइनस नॉर्मल लॉस. ठीक है ना? माइनस नॉर्मल लॉस. अब मेरा बात ध्यान से सुनो, नॉर्मल लॉस कौन बियर कर रहा है? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी. हाँ कस्टमर. नॉर्मल लॉस का बर्डन किसके शोल्डर पे है? ओ माय गॉड, नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर के शोल्डर पे है.
अच्छा इसको कबाड़ी का भाव में बेचेंगे, कबाड़ी का भाव में। अच्छा इसका नुकसान कस्टमर भर रहा है, इसको बेच के जो पैसा आ रहा है उसका मजा कौन लेगा? बोलो कस्टमर कौन, जिस लॉस का भुगतान कौन कर रहा है? तुमको पढ़ा लिखा कौन रहा है? तुम्हारे माँ बाप। तुमको काबिल कौन बना रहा है? तुम्हारे माँ बाप। अरे मैं तो हूं ही। हाँ तुम्हारा कमाई पे पहला हकदार कौन होना चाहिए? अब माँ बाप का नाम लोगे, अब मेरा नाम नहीं लोगे। आप करते करते माँ बाप आ गया। बहुत जन तो तानिया रीटा पीटा क्या बोला है। तुम्हारी भी है क्या? तुम्हारा अप ग्रोइंग में कौन खर्चा कर रहा है? तुमको पढ़ा लिखा कौन रहा है? पेरेंट्स। तुमको काबिल बनाया पेरेंट्स। तो तुम्हारा पैसा पे इनकम पे सबसे पहला हक किसका? पेरेंट्स का कि बीवी का? पेरेंट्स का ना, तुम्हारा बेटर हाफ का नहीं। लेकिन आज के जनरेशन के बच्चे शादी होते ही, एक एक कहावत था, एक कुआ था, तुम लोग सुना होगा। एक पापा अपना बेटा को रोज 1 रुपया देता था, रोज बेटा कुआ में डालाता था, नेकी कर दरिया में डाल, रोज रोज कुआं में डाल देता था। उसका बाप उसको 1 रुपया देता था और ले जाके कुआं में डाल देता था। बड़ा हुआ लड़का, बाप से भी ऊंचा कद में। हाँ बाप मांगा बेटा से, कुछ भी बना रहे हैं तुम, मुद्दा समझो। बाप मांगा बेटा से, बेटा बाप को 10 रुपया दिया, बाप चल पड़ा। बेटा पूछा पापा कहाँ जा रहे हैं? पापा बोला बेटा वहीं जा रहा हूं जहां तुम जाया करते थे। बोला मैं भी चलूंगा। साथ में आया, इसका बाप कुआं में डाल दिया। बेटा का पैसा को कुआं में डाल दिया। तो बेटा बोला आप पागल हो गए क्या? आपको पता है पैसा कैसे कमाया जाता है? आपको आइडिया भी है? बोला बचपन में बेटा जब मैं तुम्हें दिया करता था तब तुम्हें पता था क्या क्या करना चाहिए? तुम तो रोज कुआं में डाल आते थे, और आज मैं 10 रुपया डाल दे रहा हूं तो तुमको तकलीफ हो रही है? ये जनरेशन चेंज हो गया है, जनरेशन नाउ हैज चेंज्ड। भैया कुछ भी करना, चार चार पांच पांच पान लाल, मां बाप को मत भूलना। तुम्हारा कमाई पे पहला हक मां बाप का होना चाहिए। लड़ती है तुम्हारी भाभी मेरे से, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। आई इग्नोर हर। सुनो मेरा बात, नॉर्मल लॉस का भार कौन संभाल रहा है? तो नॉर्मल लॉस को जब कबाड़ी का भाव में बेच के जो स्क्रैप वैल्यू आएगा उसका फायदा किसको मिलना चाहिए? तो यहां पे स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम नॉर्मल लॉस को माइनस कर देंगे। स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम नॉर्मल लॉस को माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? नॉर्मल लॉस का बर्डन किसके शोल्डर पे डाल रहे हो?
तो नॉर्मल लॉस बेच के जो रुपया आएगा उसका मजा कौन लेगा? कस्टमर का कॉस्ट से माइनस कर दो, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालते वक्त माइनस कर देना। इज दैट फाइन एवरीवन? तो हम लोग क्या करेंगे, कितना रुपया करके स्क्रैप है? हाँ, 3 रुपीज करके ना। एक सेकेंड, पहले लेट मी रिमूव दिस कुआ फ्रॉम हियर। इक्वल्स टू 280,000 माइनस, एक एक का स्क्रैप कितना है? 3 रुपया ना, और 500 यूनिट का होगा 1500। स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 500। बोल बेटा, सुनो, अप टू 3, अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक बताना। आई विल बी नीडिंग दिस मशीन। दिस इज द मशीन विच अकाउंटेंट डू कैरी विद देम, विच यू ऑल आर नॉट कैरिंग। 280 माइनस 1500 डिवाइडेड बाय 9500। ओ माय गॉड, इट्स 29.3157। समझ में आ रहा है मेरा बात? मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, बरोबर है ना बात? बोल क्लास में चाचा जी हैं। नॉर्मल लॉस का भार किस पे डाल रहे हो, किस पे डाल रहे हो? तो नॉर्मल लॉस को जब कबाड़ी का भाव में बेच के जो स्क्रैप आएगा उसका बेनिफिट किसको दोगे? इसलिए यहां से माइनस हो रहा है। इज दैट क्लियर ना? टिट फॉर टैट। अब अरे इसको कंप्लीट तो करने दो, प्रोसेस टू में चल गई तुम। हाँ, तो नॉर्मल लॉस को तो स्क्रैप पे दिखाया, तो 1500। हाँ, एबनॉर्मल लॉस को दिखाएंगे 29.3157, और ट्रांसफर को भी दिखाएंगे 29.3157। राउंड ऑफ करके लिखो, 100 × 29.3157, इट्स लाइक 2932। इंटू 29.3157, हाँ कितना रहा है? 2 7 5 5 6 8। फर्क आएगा तो 1-2 रुपए आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 4 डेसिमल प्लेस लेने से ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एक पैसा का डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में आ गया मेरा बात? अभी अगला प्रोसेस करेंगे और बेटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? इज इट फाइन? नॉर्मल लॉस को स्क्रैप पे, एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट पे, और ट्रांसफर होगा कॉस्ट पे। अगला प्रोसेस के लिए ये कॉस्ट बन जाएगा, राइट? हाँ, अगला प्रोसेस करेंगे, लेकिन उसके पहले नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे। क्या करेंगे? क्योंकि हमने तुमको क्या बोला था, 500 के ऊपर जो लॉस आएगा वो मेरा कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, हाँ या ना? तो यहां से इसको कॉस्ट पे हटाया, एबनॉर्मल लॉस में डालेंगे, फिर वहां से उसको कॉस्टिंग पीएल में डाल देंगे, राइट? जैसे परचेस को पहले ट्रेडिंग अकाउंट में डालते ना, वैसे ही उस तरीके का क्लोजिंग एंट्री करना है। अभी तो खाली नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को स्क्रैप पे दिखाया, एबनॉर्मल को कॉस्ट पे, और ट्रांसफर, तो ये जो ट्रांसफर टू पी टू है ये कहां चला जाएगा? प्रोसेस टू का रॉ मेटेरियल है ये। क्या है? प्रोसेस टू का रॉ मेटेरियल। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू कहां जाएगा? कॉस्टिंग पीएल में। तो पहले इसको कहां डालेंगे? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में, वहां से डालेंगे कॉस्टिंग पीएल में, और नॉर्मल लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना? हटा दें इसको, हटा दे, बोलो। हाँ, ऑल ओके, आइए।
So what are we doing? We are preparing normal loss. Kita 2932. Corresponding entry. ये process वन से आया ये entry. और ये भी process वन से आया है. वहां पे क्रेडिट साइड यहां पे डेबिट साइड में आ गया. अच्छा अब इसको बेचेंगे 500 को बेचेंगे स्क्रैप में बराबर हो गया. नॉर्मल लॉस को दिखाया स्क्रैप पे बेचेंगे भी स्क्रैप पे उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं. एबनॉर्मल लॉस को बेचेंगे कितना पे स्क्रैप पे. इसका वैल्यूएशन कॉस्ट पे किए हैं. क्यों? क्योंकि इसका बर्डन कस्टमर के शोल्डर पे नहीं डालना है. बट है तो दोनों एक ही चीज. दोनों ही तो लॉस है. फर्क क्या है? बर्डन शिफ्टेड टू कस्टमर. बर्डन ऑन कंपनी इटसेल्फ. इसका नेचर क्या है? लॉस. इसका भी नेचर क्या है? लॉस. मतलब बेचेंगे तो दोनों से ही तीन तीन रुपया करके मिलेगा. तो 500 इंटू तीन. इसको दिखाया स्क्रैप पे, बिका भी है स्क्रैप पे. इसको दिखाया कॉस्ट पे, लेकिन बिकेगा किस पे? स्क्रैप पे. तो ऑटोमेटिकली यहां से बाई कॉस्टिंग पीएल वो लॉस वाला पार्ट आ जाएगा. तो उसको अपने कॉस्टिंग पीएल में डाल देंगे. 2632 बैलेंसिंग फिगर नेट लॉस डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट. नेट लॉस डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट. टाइम कितना हो रहा है? Is it fine? हाँ हटा दें. बोलो
प्लीज बात मत करिए. ठीक है, टू रॉ मटेरियल फ्रॉम P1 9400 आया, 275568 ना है ना, इसीलिए वहां पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था. देखो P2 का इनपुट में क्वेश्चन मार्क था क्योंकि वो P1 का आउटपुट विल बिकम इनपुट फॉर P2. लेबर कॉस्ट कितना है? ओवरहेड कॉस्ट हो गया. इज इट फाइन? बोलो. सो 9400 का टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है? 275568 प्लस 340568. ठीक है. सो कॉस्ट पर यूनिट में 340568, दिस इज टोटल कॉस्ट और इनपुट है 9400. ठीक है, ठीक है. अब मेरा बात ध्यान से सुनो. सबसे पहला काम क्या रहता हमारा? इनपुट आउटपुट मैच, डोंट फॉरगेट. डेबिट साइड कंप्लीट करने के बाद स्टेप वन क्या है? ये तो स्टेप टू है, हमने पहले लिख लिया इसको. इनपुट आउटपुट को मैच करवाना है. अच्छा, बाय ट्रांसफर टू P3 कितना? 8500. ठीक है, इनपुट कितना जल्दी बोल. अरे भैया इनपुट कितना? 9400. आउटपुट मैच हो गया क्या? इसका मतलब लॉस कितना है? 900 का लॉस है. कितना? अब इसमें यह देखना है नॉर्मल कितना, उसके ऊपर वाला क्या देखना है? नॉर्मल कितना और उसके ऊपर वाला क्या बन जाएगा? गॉट माई पॉइंट? सबसे पहले क्या करना है अपने को बताओ. पहले हमको यह बताओ, P2 का इनपुट नहीं दिया हुआ है, प्रोसेस 2 का इनपुट में क्वेश्चन मार्क है, तो P1 का जो आउटपुट है वो बन जाएगा इनपुट ऑफ प्रोसेस 2. हो गया, लेबर ऐड कर दिया, ओवरहेड ऐड कर दिया, तो 9400 का टोटल कॉस्ट आ रहा है 340568. इज इट क्लियर? 340, इज इट फाइन? हाँ. अब मेरा बात ध्यान से सुनो. अब हमारा जैसे ही हम डेबिट साइड कंप्लीट करते हैं, सब इनपुट वगैरह लिख लिया, नाउ आवर स्टेप, व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? क्या करना है, क्या करना है? भूल गया मैं, क्या? इनपुट आउटपुट को मैच करना है. क्या करना है? इनपुट आउटपुट मैच, इनपुट आउटपुट मैच. तो व्हाट इज योर इनपुट ऑफ दिस प्रोसेस? 9400. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस? 8500. तो व्हाट इज द मैचिंग? नो मैचिंग, देयर इज अ लॉस ऑफ, लॉस ऑफ. अब देखना है इस लॉस में नॉर्मल कितना और ऊपर वाला बनेगा. अच्छा, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना है? 7% ऑफ व्हाट? इस प्रोसेस का इनपुट, ओरिजिनल इनपुट नहीं. तो 9400 का 7% बाय नॉर्मल लॉस, 9400 का 7% बेटा बोल. 658. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड.
900 का लॉस है, उसमें नॉर्मल कितना, बाकी ऊपर का लॉस एब नॉर्मल कितना, 242। तो 9400 हमको फिर से बता, मेरा इनपुट कितना, इनपुट कितना, जनता जनता बताइए इनपुट कितना, आउटपुट 8500। तो लॉस मैच हो गया कि लॉस है, कितने का, व्हाट इज अवर नेक्स्ट टारगेट, इस लॉस में नॉर्मल कितना, और क्योंकि नॉर्मल वाला का बर्डन किस पे डालने का है, एबनॉर्मल वाला बर्डन किसका, तो 7% लिखा है, तो 7% ओरिजिनल इनपुट का कि मेरा इनपुट का, मेरा प्रोसेस टू का, हम प्रोसेस टू में है ना, हम प्रोसेस टू के मैनेजर हैं, तो मेरा जो इनपुट है उसका 7%, माई इनपुट 7%, 658 आ रहा है, टोटल लॉस मेरा 900 हुआ है, टोटल लॉस कितना हुआ है, तो 242 एबनॉर्मल हो गया, इनपुट आउटपुट मैच हो गया। अब हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखो, माइनस 658 करेंगे, नॉर्मल लॉस का बर्डन किस पे डाल रहे हो, तो उसके कारण जो स्क्रैप आएगा 7 रुपया करके 658 का, इसका मजा भी कस्टमर लेगा, कौन लेगा, तो कितना आ रहा है, 34568 माइनस कितना आ रहा है, 7 × 658 38.4308 या 07 ले लो, एक काम करो, विकास चेयर हटा दो, तो 60 हाँ, नॉर्मल लॉस को दिखाना है 7 रुपया करके 4606, इसको दिखाना है 38.4307, इसको दिखाना है 38.4307। आ जाओ बेटा, हाँ तो आएगा, डिफरेंस आने से कोई घबराओ मत, 242 × 38.4307 93, हाँ तो 9300 ले लो, और ये आ रहा 8500 × 38.4307 326661। दरकार नहीं है बेटा, इतना घबरा क्यों रहे हो, एक दो रुपए का फर्क आने दो, तुम यहां पे ये वाला जो टोटल आएगा ना वही लिख देना, डेबिट वाला टोटल ही लिख देना, मानते एक रुपए का डिफरेंस आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो डेबिट वाले का टोटल आएगा तुम वही लिख देना, ठीक है।
सबको समझ में आ रहा है ना? पहले डेबिट साइड में सारा खर्चा और इनपुट लिखेंगे, फिर इनपुट आउटपुट मैच करेंगे, फिर कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे और सब वैल्यूज लिख देंगे। फिर चार स्टेप हो गया, दिस इज स्टेप वन अगर हिसाब से देखा जाएगा तो। इसको स्टेप, ये डेबिट साइड वाला स्टेप वन हो गया, जिसको हम लोग स्टेप टू वन बोल रहे हैं, ये स्टेप टू होगा इनपुट आउटपुट वाला, कॉस्ट पर यूनिट और फिर सारा वैल्यूज लिखना है। इज दैट क्लियर? पांच छह सम करोगे ऑटोमेटिकली ग्रिप में आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट सम, इसलिए मैंने थ्री प्रोसेस लिया था। अभी एक और, अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस टू का नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल लॉस को क्या वैल्यू पे दिखाते हो? स्क्रैप पे, बिकेगा भी। एबनॉर्मल लॉस को किस पे दिखाए हो? बिकेगा, डिफरेंस चला जाएगा कॉस्टिंग पीएल में लॉस। जैसे कोई गुड्स जल के राख होता है, याद है, उसको अपने परचेज से लेस करते कॉस्ट प्राइस में, और फिर इंश्योरेंस के लिए माइनस करने के बाद जो नेट लॉस आता है वो जाता है पीएल में। तो एबनॉर्मल लॉस का भी वही चीज कर रहा है, राइट? इज दैट फाइन? सबका हो गया? मिटाएं बेटा, मिटाएं। हाँ चलिए आइए, अब हम बनाएंगे क्या, ठीक है? बाय बैंक 658 को बेचोगे भी स्क्रैप पे तो ये बराबर हो जाएगा। बाय बैंक 242 को बेचोगे 7 रुपया करके, लॉस डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। आई होप सबको समझ में आ रहा है, 10 नंबर का चैप्टर है, ठीक है ना? डन? हाँ हुआ। अब हम लोग करेंगे P3।
क्या करेंगे? बोल सर, P3 में मिराकेल होगा. क्या होगा? मिराकेल. मिराकेल मतलब एबनॉर्मल गेन. समझ में आ रहा है? इसको मिटा दूं क्या? पो चाहिए आपको? पो चाहिए? घड़ी देख के 15 seconds. टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू पौने दो डेढ़. हमको भी कोई शौक नहीं है टाइम वेस्ट करने का. प्रोसेस थ्री. सबसे पहले टू रॉ मटेरियल फ्रॉम P3. ओ वेरी गुड. थ्री टू ट्रिपल सिक्स वन. लेबर कॉस्ट 45. ओवरहेड हो गया टोटल इनपुट और उसका कॉस्ट आ गया. Is it fine? Yes. Sir, 8,500 का टोटल कॉस्ट आ गया. डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल दीजिए. इतना आसान नहीं है. आसान नहीं है. इसके बाद हमें क्या करना है? सही बोल रही है लड़की. क्या बोल रही है? आई और ओ को मैच. बोलना प्लीज क्या करेंगे. ये खर्चा लिख लिया. टोटल इनपुट ऑफ P3 और उसका टोटल कॉस्ट आ गया. इसके बाद क्या करेंगे? ईमान से बोल. बोलना क्या करेंगे. बोल इसके बाद क्या करेंगे. बता. इनपुट आउटपुट मैच करेंगे क्या? अच्छा तुम ही बता. तुम ही बता. तुम ही बता. इनपुट कितना बोल तो बबलू. 8,500. और आउटपुट कितना बबलू? 8,000. तुमसे पूछा मैंने पपलू. मैंने बबलू को पूछा. हाँ बोलो बबलू. अरे क्वेश्चन देखो ना उसमें उसका वहां पे क्वेश्चन नहीं है. 8,200. टू फिनिश स्टॉक अकाउंट. P4 मत लिख देना. हाँ अरे बाप रे बाप. बच गए रे बच गए रे बच गए.
साढ़े आठ हजार का इनपुट है, 8200 का आउटपुट है, साढ़े आठ हजार का इनपुट है, 8200 का आउटपुट है। ओ माई गॉड, कितने का लॉस हुआ? अब इसमें देखना है नॉर्मल कितना है, अब नॉर्मल कितना, यही देखना है ना। चल बता, ए इनपुट का 6% बोला है ना, नॉर्मल लॉस तो तुमको बिगिनिंग में ही पता चल जाएगा ना, वो तो तुमको अनुमान पहले ही लगा लेना है। 8500 का 6%, तो नॉर्मल लॉस तुम सेट करके अकॉर्डिंगली, तुम बर्डन कस्टमर में शिफ्ट करके अकॉर्डिंगली, तुम कॉस्ट निकाल के अकॉर्डिंगली, तुम सेलिंग प्राइस बोल चुका है कस्टमर को। अरे बाप रे बाप, मिरेकल हो गया रे भाई, मिरेकल क्या हो गया है? व्हाट वॉज योर एक्सेप्टेबल लॉस? 510, लेकिन हिसाब से देखा जाए तो लॉस कितना हुआ है? इसका मतलब तुमको हो गया एबनॉर्मल गेन 210 का। क्या हो गया? क्या हो गया? समझ में आ गया? नॉर्मल लॉस को काट के 300 मत कर देना पगला। नॉर्मल लॉस बिगिनिंग में अनुमान लगाना पड़ता है, और एक्चुअल लॉस का पता कब चलता है? कॉस्ट कब निकालते हैं? बिगिनिंग में। तो ये 510 को लेके तुम कॉस्ट निकाल चुका है, उसी हिसाब से सेलिंग प्राइस भी आ चुका है, तो अकाउंटिंग भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा ना, कॉस्टिंग प्री एस्टिमेटेड मेजरमेंट, पढ़ा है ना। चल चल रे बबलू, फिर से मेरे को बता, इनपुट कितना, आउटपुट कितना, लॉस हुआ कितना? 300। ये लॉस जो 300 हुआ, ये कब पता चला? एंड। लेकिन कॉस्टिंग तुम कब करते हो? नॉर्मल लॉस का अनुमान कब लगाते हो? तो 510 का अनुमान लगाया, बाद में पता चला लॉस 300 ही हुआ, तो मिरेकल हो गया 210 का। क्या हो गया? मिरेकल। क्या मिरेकल हो गया? क्या हो गया है? मिरेकल हो गया है। ठीक है, इनपुट आउटपुट मैच हो गया। अब कॉस्ट निकालते वक्त 510 का बर्डन कस्टमर में डाल दिया, ये तो तुम पहले ही कर चुका है, ये चीज अभी थोड़ी कर रहा है, ये कब कर रहा है? पहले ही कर चुका, 510 का बर्डन कस्टमर में डाल चुका। ठीक है, तो 9 रुपया करके 510 का फायदा भी कस्टमर को मिलेगा। फोर्टी नाइन पॉइंट डबल फोर फाइव सिक्स। ठीक है, हाँ, इज इट फाइन? नॉर्मल लॉस को 9 करके दिखाएगा, 4590, इसको दिखाएगा 49.4456, इसको भी 49.4456, हाँ,
405,454 और 210 इंटू 49.4456 हाँ ठीक है, वो जो टोटल आएगा वो यहां पे लिख देना। बात मत करो प्लीज। ठीक है हाँ, बात नहीं। हटा दें, बोलो। Is it fine? पाँच सौ दस 4590 210 10,000 384 है ना। अब बता, बाई बैंक 300 ही बेचेगा, बेचेंगे तो 300 ही ना। 510 का लॉस दिखा के 210 का गेन दिखाए हो, क्या ये गेन स्क्रैप है? गुड यूनिट्स है ना, क्या है? और ये ऑलरेडी 8200 में घुस चुका है। आज अगर ये गेन नहीं होता तो तुम्हारा क्या 8200 का प्रोडक्शन होता? कितना होता? कम होता, 7990 होता इन दैट केस। कितना होता? गुड प्रोडक्शन हुआ बोल के तुम्हारा वो गुड प्रोडक्शन। तो ये जो तुम दिखा रखा है ये फाउक है, फेक एंट्री है। नॉर्मल लॉस को 510 पे दिखा के तुम गेन दिखाया 210, अब सेट ऑफ का टाइम आ गया है। एक तरफ लॉस दिखा के दूसरा तरफ गेन दिखा रहे हो, चलो वो तो मान लिया। ये लॉस खराब है, ये गेन क्या खराब है क्या? ये तो गुड यूनिट्स है, तो कैसे सेट ऑफ? नहीं ना, तो क्या करेंगे? 300 ही बेचेंगे।
510 दिख रहा है, 510 में 210 गेन का है, मिराकल है ना, लॉस होना था नहीं हुआ, राइट। तो इसमें बेचेंगे 9 रुपया करके 2700, बाकी को गेन अकाउंट में डाल देंगे। 210 का 9 करके कितना, ठीक है, तो यहां पे आएगा 2 नॉर्मल लॉस से 210 1890, तो अब डिफरेंस चला जाएगा कॉस्टिंग पीएल में कितना, एबनॉर्मल गेन तुम अगर नॉर्मल लॉस को 510 पे नहीं दिखाता तो ये गुड प्रोडक्शन पता नहीं चलता। क्या चीज, एबनॉर्मल गेन क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग पीएल, ठीक है, 510 का लॉस दिखा बट एक्चुअल में तो 300 ही हुआ है, तो 300 बेचेंगे, बाकी दो 210 गुड यूनिट है, गुड यूनिट में डाल दो, राइट, उसको फिर फिगर को कॉस्टिंग पीएल में ले जाएंगे। इज इट फाइन, हाँ, होप यू आर लाइक द क्लास, सी यू नेक्स्ट वीक, रोज प्रोबेबली, थर्सडे क्लास नहीं होगा, बंद करो।